गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस बहुत ही टेस्टी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। इनको बनाना बहुत ही आसान बहुत इजी है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं इनको बनाना शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले लिए हमने चार आलू लंबे साइज़ के, इनको हम लंबे साइज में काट लेंगे, तो इनके हम लंबे लंबे स्लाइसिस कर लेंगे। हमारे जितने भी आलू हमारे पास अब हम सबके स्लाइसिस कर लेंगे। स्लाइसिस करने के बाद हम एक पैन में गर्म पानी लेंगे और उसमें आलू को डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम आलू को बॉईल कर लेंगे। जैसे ही आलू अच्छी तरह बॉईल हो जाए इनको हम बाहर निकाल देंगे, तो इनको हम ठंडे होने के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई में हम आधा लीटर तेल डाल देंगे। हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम एक कप राइस फ्लोर डाल देंगे, चावल का आटा। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, ऑरिगेनो, उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पानी की मदद से इसमें हम एक लिक्विड बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और लिक्विड बैटर को तैयार करते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो पानी की क्वांटिटी है वो पता लग जाएगी आपने इसमें पानी कितना डालना है। हमारा लिक्विड बैटर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसमें पोटैटो के स्लाइसेस इसमें डाल देंगे, उनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, उसमें हम अपने पोटैटो के स्लाइसेस को डाल देंगे। उनको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे जो पोटैटोज हैं वो अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको अब हम बाहर निकाल देंगे और हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हम एक बड़ा टुकड़ा बटर का डाल देंगे। बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक। इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे अपने वेजेस जिसमें मैंने लिए प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। इसको भी हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच फूड कलर। इसको हम अच्छी तरह इसमें मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया, और जो हमने पोटैटोस को फ्राई किया था उनको भी हम इसमें डाल देंगे और उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गाइस हमारे पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। और गाइस मैं और भी डिलीशियस रेसिपीज लाता रहता हूँ, आप प्लीज़ उनको भी जाके चेकआउट कीजिएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। गुड बाय गाइज़।